हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल घुमावत ऑफिशियल। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा, आज का ट्यूटोरियल वीडियो इसी प्रकार का देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सभी मटेरियल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते बिना देर के वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपको एक एक्सएमएल फाइल दे रखा हूँ, आपको उस एक्सएमएल फाइल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब दोस्तों, आपको एक्सएमएल फाइल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके पास एक्सएमएल फाइल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको ऑडियो पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको एक ऑडियो की लिंक दे रखा हूँ, आपको उस ऑडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, ऑडियो को ऐड करने के बाद अब आपको ऑडियो की लेयर पे क्लिक करना और आपको इसको नीचे की तरफ लेके आ जाना है। कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों, आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको मीडिया पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको एक बैकग्राउंड फ़ोटो दे रखा हूँ, आपको उस फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के बाद अब आपको फोटो की लेयर पे क्लिक करना है और आपको इस फोटो की लेयर को आगे की तरफ लेके चले जाना है। और दोस्तों, अब आपको इस फोटो की लेयर पे क्लिक करना और आपको इस फोटो की लेयर को भी यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ जाना है। कुछ इतना करने के बाद अब आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और आपको मीडिया पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको राधा कृष्ण की एक फ़ोटो दे रखा हूँ, आपको उस फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के बाद अब आपको मूवमेंट एंड ट्रांसफर पे आना है और आपको इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इतना करने के बाद अब आपको इस फोटो की लेयर पर क्लिक करना है और आपको इसकी फोटो की लेयर को भी आगे तरफ लेके चले जाना है। अब दोस्तों, आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और आपको इसको भी नीचे की तरफ लेके आ जाना है। अब दोस्तों, आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको अपने पसंद के इमोजी को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इमोजी को ऐड करने के बाद अब आपको कलर पे क्लिक करना और आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। करने के बाद अब दोस्तों, आपको फॉन्ट पे आना है। तो दोस्तों, आपको एक फॉन्ट की लिंक दे रखा हूँ, आपको उस फॉन्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। फॉन्ट को ऐड करने के बाद अब आपको इसकी साइज को कुछ बड़ा कर लेना है। करने के बाद अब आपको इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों, आपको इसकी लेयर को भी आगे की तरफ लेके चले जाना है। और दोस्तों, आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और आपको इसको नीचे की तरफ लेके आ जाना है। कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों, इस फोटो में और आपको इसी इमोजी की लेयर में आपको इफेक्ट को ऐड करना है। तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको कुमावत ऑफिशियल लेयर दे रखा हूँ, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद अब आपको थ्री डॉट कॉम पर क्लिक करना है और आपको कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। बैक आने के बाद अब दोस्तों, आपको सबसे पहले फोटो पर क्लिक करना है। अब आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ इसी प्रकार से इस इमोजी वाले लेयर पे भी इसी इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारी ये इफेक्ट ऐड हो गए हैं। कुछ इतना करने के बाद अब आपको साइड वाले बटन पे क्लिक करना है और आपको इसको इनेबल कर देना है। करने के बाद अब देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से हमारी ये वीडियो एडिट हो गई है। अब दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का आइकन, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो भी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।